हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एड एनटीपीसी एग्जाम को कैसे पास करना है, कैसे क्रैक करना है, इसका एग्जाम कब होगा, यही सब चीज़ के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको हम 3 महीने का एक कोर्स करवा देंगे, उस कोर्स को करने के बाद आप 100% आप ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम को बिल्कुल पास कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ डाउट आपके, कि ये जो ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम होने वाले हैं, इसमें स्टूडेंट की संख्या लगभग 2.5 करोड़ से है दोनों मिला करके, और सीट की जो संख्या वो है 1,35,000 के आसपास। तो इतने बड़े संख्या में स्टूडेंट को मैनेज करने में रेलवे को अभी थोड़ी परेशानी आ रही है, उसके लिए नए वेंडर का सिलेक्शन चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो इसी में बस थोड़ी सी देर हो रही है। वैसे ही वैकेंसी निकले हुए 1 साल भी समय नहीं बीता है, और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में बस यही सवाल होता है कि इसका एग्जाम कब होगा, आखिर कब होगा, एग्जाम होगा भी या फिर नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये 110% गारंटी है कि इसका एग्जाम बिल्कुल होगा, बस तो वही है कि 2-4 महीने लेट आए या फिर सबेट आए। लेकिन आप लोगों को इस बात से थोड़ा सा भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आप अगर नौकरी करने के लिए जाए तो बिल्कुल पूरे 60 साल की उम्र तक आप नौकरी करिएगा, तो बस 2-4 महीने लेट और सबेट से आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। वैसे रेलवे भर्ती बोर्ड को आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि उसकी तैयारियां बिल्कुल चालू है, जिस दिन से आपने फॉर्म अप्लाई किया तब से उसकी तैयारियां चालू है। नए वेंडर का सिलेक्शन अभी कल चल रही है, पूरा का पूरा फुल सिस्टम जब रेडी होगा उसके बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगी। 2.5 करोड़ स्टूडेंट का एग्जाम लेना कोई मामूली सी बात नहीं है, उसको किसी कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ सकता, जबकि पूरा का पूरा अगर उसको सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए रेलवे भर्ती बोर्ड को, ये कंपनी सही से एग्जाम इसका ले पाएगी, कंडक्ट करवा पाएगी या फिर नहीं। वैसे जो पिछली जो कंपनी थी जो कि RPF एग्जाम करवाई थी, ALP ग्रुप डी JEE का एग्जाम, लेकिन वो JEE के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा धांधली किया गया था, जिसके वजह से उसको उसके कंपनी के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था, जिसके बाद से एक नई कंपनी की तलाश में रेलवे भर्ती बोर्ड चल रही है, और अभी भी उसकी तलाश बिल्कुल जारी है, और उसकी जो फाइनल टेस्टिंग है वो चल रही है बिल्कुल। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ RTI के जवाब में ये बात बोला था कि जो कंपनी का बिल्कुल फाइनल प्रोसेस में है, और इसका जो एग्जाम डेट का जो घोषणा है वो आपका मार्च तक बिल्कुल हो जाएगी, और इस हिसाब से अगर मार्च तक इसकी घोषणा होती तो आपका एग्जाम जो है अप्रैल या फिर मई में स्टार्ट होगी, और ये एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होगी इसमें स्टूडेंट की जो संख्या है वो 2.5 करोड़, तो ये एग्जाम लगभग में अगर NTPC एग्जाम होती पहले स्टार्ट तो लगभग में 2.5 से 3 महीने तक चलेगी, फिर ग्रुप डी एग्जाम भी 2.5 से 3 महीने तक चलेगी। अगर एग्जाम मार्च में स्टार्ट होती तो एग्जाम खत्म होगी कब, सितंबर में जा करके, तो इतना लंबा समय है। अगर एग्जाम आज भी स्टार्ट होती है एग्जाम 3 महीने तक चलेगी, तो इन सब चीज़ों से आपको नहीं घबराना, एडमिट कार्ड कब आएगा ये सब चीज़ आपको नहीं सोचना, बस आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखना है। तैयारी के लिए बस आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए ये चीज़, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको कौन सा पेपर आएगा, किस सब्जेक्ट में से कितने पेपर आएंगे, कौन से टॉपिक को हमको ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक को हमको कम पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता, एक सच्चे स्टूडेंट की मैं आपको कहानी बताता हूँ, मैं आपको बता रहा कि आप एक ऐसे स्टूडेंट बनिए जो एग्जाम डेट को लेकर के नहीं पढ़ता, वो बस अपने नॉलेज को बढ़ाते जाए। अगर एग्जाम 2-4 महीने लेट हो रही है तो आपके लिए और बेहतर चीज़ है, क्योंकि आपको अगर इतना ज़्यादा समय मिल रहा है तो आप सोचिए आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, और भी ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आपकी तैयारी 75% है उसको 80% ले जाइए, अगर आपकी तैयारी 80% है उसको 85% ले जाइए, 100% तक ले जाइए। अगर आपको टाइम मिल रहा है, इतना सुनहरा अवसर मिल रहा है आपको, आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम बिल्कुल भी मत गवाइए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट की घोषणा होगी तब मैं इसकी तैयारी करना शुरू करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग इसकी तैयारी जारी रखिए और इसका एग्जाम हो जाएगी, जैसे इसका डेट आती है मैं आपको बिल्कुल सबसे पहले बता दूंगा इसी चैनल पे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और मैं आपको आपके अगर आपके पास किसी भी जगह कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं एक ऐसा कोर्स मैं लेके आया आप लोगों के लिए जो कि NTPC और ग्रुप डी के लिए कंबाइंड कोर्स है, जिसमें कि हम आपको घर तक, आपके घर तक नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बिल्कुल बिहार से हैं, हम भी बिहार से पर समस्तीपुर से हैं, तो अगर आप हमारे बिहार से हैं तो आपको ये नोट्स कैश ऑन डिलीवरी में मिलेगी घर पे, और अगर आप बिहार के बाहर है तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, फिर आपके पास ये मास्टर नोट्स पहुंचेगी। और मैं आपको बताऊँ ये मास्टर नोट जो है, तो मैं आपको ये 3 महीने का कोर्स बता रहा हूँ जिसमें कि मास्टर नोट्स है और स्मार्ट वीडियो कोचिंग है। स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स को मैंने तैयार किया है,
मैंने अब तक बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दिया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को पास भी करवाई इस एग्जाम में हमारे मास्टर नोट्स को पढ़ने के बाद। तो आपको भी इस मास्टर नोट्स को लेना चाहिए और इस तैयारी को करना चाहिए यहाँ, क्योंकि हम आपको जितना चीज़ पढ़ाते हैं उसी में से आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार फिर से फुल सिलेबस बता दूँ कि ये जो है ये है केमिस्ट्री का मास्टर नोट्स। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम में आते हैं तो केमिस्ट्री में से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 में से, और इस 6 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपको हमारे इसी केमिस्ट्री के मास्टर नोट्स में से मिलेगा। देखिए एक बार सिलेबस और पैटर्न एक बार फिर से समझ लीजिए। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके और करंट अफेयर्स है। ये केमिस्ट्री हो गया, इसमें 6 नंबर आपका पूछेगा एग्जाम में। ये देखिए है बायोलॉजी, बायोलॉजी में से आपका एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा 7 में से 6 क्वेश्चन आपको हमारे इसी मास्टर नोट्स में मिलेगी। ये है बायोलॉजी। मैंने एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक को मैंने अच्छा से अध्ययन किया है, उसके बाद मैंने ये नोट्स को तैयार किया है। फिर देखिए ये है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15। इस 15 में से लगभग में 13-14 क्वेश्चन आपको इसी मास्टर नोट्स करंट अफेयर्स में से बिल्कुल मिल जाएंगे। ये बिल्कुल आप ही लोगों के लिए तैयार किया गया है और इसको पढ़ने के बाद आप इजिली आप करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को आप बना पाएगा। इसके बाद देखिए एक नोट्स है आपका, ये फिजिक्स, ये देखिए ये है फिजिक्स। इसमें से आपको लगभग 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 13 में से आपको 12-11 क्वेश्चन हमारे इसी मास्टर नोट्स में से पूछे जाते हैं, और इसमें सभी टॉपिक कवर किया गया है। और इस मास्टर नोट्स को बस आप अपने घर बैठे मंगवाइए। ये इसको मैंने ही लिखा, अपने हाथों से टाइप करके लिखा है, ये बिल्कुल कंप्यूटर प्रिंटेड है, आपको पढ़ने में बिल्कुल सुविधा होगी और इसी में से इसको पढ़ना बहुत आसान है, और इसमें से आपको 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी में से टैली करेगा। ये रहा आपको हमारा मैथमेटिक्स का मास्टर नोट्स। इस मैथमेटिक्स के नोट्स ये स्पेशली रेलवे के लिए है। तो इसमें से अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आती तो आप वीडियो कोचिंग के साथ इस नोट्स को ले करके आप 100% तैयारी कर पाए कि आपका रिजल्ट बिल्कुल आ ही जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ये है आपका रीजनिंग का मास्टर नोट्स। तो ये रहा आपका मास्टर नोट्स का फुल सेट जो कि आपको ग्रुप डी और NTPC दोनों एग्जाम में काम करेगा, स्पेशली CBT 1 में। तो ये आपका फुल सिलेबस रहा, ये आपका फुल सेट रहा, और आप अगर इस मास्टर नोट्स को अपने घर पे मंगवाते हैं तो ये आपके घर पे पहुंच जाएगी। ये सभी का प्राइस कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये है जो कि आपके घर पे पहुंचेगी, और साथ में अगर आप वीडियो कोचिंग लेते हैं तो उसका प्राइस है 1000 अलग से। तो आप 2000 रुपये में आप मास्टर नोट्स प्लस वीडियो कोचिंग का ये कोर्स कर सकते हैं। ये 3 महीने की कोर्स है जिसमें हम आपको सभी टॉपिक का वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेंगे, और फिर आप वहाँ से आप आराम से इजिली पूरा सिलेबस को ख़त्म करके आप 100% आप एग्जाम को निकाल पाएगा। इससे के बाद आपको एग्जाम के लिए जितनी भी तरह की कुछ भी जानकारियां चाहिए सब कुछ आपको हम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेंगे, और आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो तैयारी से संबंधित या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये मास्टर नोट्स प्लस स्मार्ट वीडियो कोचिंग का 3 महीने का ये कोर्स करना है तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके घर तक ये नोट्स डिलीवर हो जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। अगर आप बिहार से हैं तो हो सकता है आपको हमसे मिलने का मौका मिल जाए, हम ही आपके घर तक ये नोट्स को लेकर के आ जाए और आप हमसे बात कर पाइएगा, और आप अपनी तैयारी के बारे में अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए, फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मैंने शुरुआत की है आप लोगों के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग। बस आप इस नोट्स को लीजिए और हर तरह के एग्जाम के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए कि इसका एग्जाम कब होगी, आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर एग्जाम में लेट हो रही है तो आप ही के लिए फायदे की बात है। जो सच्चे स्टूडेंट होते हैं जिसको वाकई में रिजल्ट चाहिए होगा वो इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज से 5 साल या फिर 10 साल पहले की जो मैं आप लोगों से बात कर लूं तो वहां पे क्या होता था कि आज फॉर्म भराता था और कुछ भी पता नहीं होता कि आपका एडमिट कार्ड कवर। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल भी जाती है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। 5-6 साल के बाद एग्जाम होती थी तो इस तरह से, लेकिन अभी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। अभी लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी में हो जाए तो ऐसा भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा वक्त मिल रहा है तो आप अपने आप को उस वक्त को बस तैयारी में समय बस गवाइए, और आप देखिए अपने आप को अभी आपकी तैयारी कितनी है। मैं आपको बता दूं कि
एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम को निकालने के लिए आपका जो मार्किंग होना चाहिए कम से कम आपका 80% से ऊपर आपका नंबर आना चाहिए, तब आप रिजल्ट के लिए आशा रख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपका 40, 50, 60, 65 आपको नंबर आ रहा है तो बस आप वही यूट्यूब पे सर्च करते हैं एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब होगी। जब एग्जाम हो गया तो फिर आप बोलिएगा कि नॉर्मलाइजेशन मेरा नंबर बढ़ा नहीं इसलिए मेरा रिजल्ट हुआ नहीं, फिर आप अगले वैकेंसी का वेट करिए, फिर सोचिए कि एग्जाम कब होगी। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचाए रखिए और आप क्या करिए, आप एग्जाम को देने जाइए तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, 80-90% नंबर तो आपका इजिली आ जाए, तो इस तरह से तैयारी करके जाइए ताकि आपका रिजल्ट भी आए, कंफर्म रिजल्ट आए। और इसको पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने, आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।